और अपराधी ज्यादातर मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं और आज जितने भी मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं वो अपने को सब मुख्यमंत्री समझते हैं और यही कारण है कि योगी बाबा केवल भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज रही नहीं गई। ये बहुत ही घृणित कार्य है कि इसमें न्याय दिलाने के बजाय यहाँ का कोतवाल अपराधियों को बचाने में लगा है, यहाँ का पुलिस अधीक्षक अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। चूंकि अपराध करने वाले दोनों ठाकुर बिरादरी के हैं। साथियों, अभी हम हैं शोकाकुल परिवार पिया मौर्य के यहाँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हुजूम लगा हुआ है यह है शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर तमाम ऐसे राजनेता पल पल पे आ रहे हैं और दुख संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आए हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और अभी यह काफिला उनका यहाँ पर पहुँचा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। अभी यहाँ यहीं पर उनकी मीटिंग हो रही है, परिवारजनों से वार्ता हो रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तमाम ऐसे नेता सुबह से अभी दोपहर से शाम होने को है और हम देख रहे हैं कि कई सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्ची को न्याय मिलेगा, लेकिन क्या बातों बातों से कहने पर न्याय मिल पाएगा? तो यहाँ पर जमीनी हकीकत आखिर क्या है? सभी लोग आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं इस बात को आखिर ऊपर तक कैसे पहुँचाना पड़ेगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो आइए, क्या कुछ कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आइए उनसे सुनते हैं। इस दर्दनाक और दुखद जो घटना घटी है जिसमें सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, ऐसा भी प्रतीत होता है कि विद्यालय स्टाफ ने ही उसको छत से फेंका जिससे उसकी मौत हुई, क्योंकि जिस ड्राइवर ने पेट पर ऊपर कर लीजिए हाथ इस बेटी के साथ आपको क्लिप मिल जाएगा चाहिए बस रुकी और छेड़खानी की, तत्संबंधित सूचना प्रिंसिपल को दी गई। प्रिंसिपल ने ड्राइवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय इस लड़की को ही धूप में बाहर खड़ा किया, उसके बाद उसकी पिटाई की और स्वाभाविक रूप से जब पीड़िता के साथ न्याय देने वाला भी अन्याय करने पर उतारू हो गया तो क्षुब्ध होकर के वो भी जान दे सकती है। और ये भी हो सकता है कि विद्यालय प्रशासन जब इस निचले पायदान तक गिर सकता है कि ड्राइवर और प्रिंसिपल मिलकर के इस मामले को गंभीरता से न लेकर के एक इसको बहुत हल्के में लिया, उनको ये बुरा लगा कि एक पिछड़े समाज की लड़की मुझसे शिकायत कैसे कर दी, उसकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे पड़ गई। इस बदले की भावना से उसे छत से फेंकवाने का भी घृणित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में हर विद्यालय में ज़्यादातर कैमरे लगे होते हैं, अगर छत से कूदी तो कैमरे में कहीं ना कहीं वो दृश्य आना चाहिए। जो कैमरे से उपलब्ध कराया जा रहा है वो बीच में गिरते हुए और ज़मीन पर आते हुए देखा जाता है, लेकिन छत से कूदी या छत से फेंकी गई इसकी कोई तस्वीर नहीं आ रही। इसमें प्रधानाचार्य की मिलीभगत है और सारी गलतियां प्रिंसिपल की ही है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। 5 से 6 दिन हो गए तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये और भी दुखद है, आज पूरे प्रदेश में जंगलराज है, गुंडे माफिया अपराधी अराजक तत्व बेखौफ होकर के
दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी बाबा केवल भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज रही नहीं गई। और आज पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन देश को तबाह करने पर लगा हुआ है, प्रदेश को तबाह करने पर लगा हुआ है, लूटने पर लगा हुआ है। हमें यहाँ ये भी जानकारी मिली कि इस प्रिया की मौत पर जब क्षेत्रवासी मिलकर के शोक संवेदना में कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो खागा का कोतवाल लाठी चार्ज भी कराया और कई लोगों को नामजद करते हुए अज्ञात ने सैकड़ों लोगों को परेशान भी करना शुरू किया है, जाके धमकी दे रहा है जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके। अरे तो मौर्या की लड़की मरी है, तुम क्यों गए थे? मुस्लिम समाज का कोई आदमी आया, उसके घर पहुंच करके धमकी दे रहा है। यादव समाज का कोई आदमी आया, उसके घर धमकी दे रहा है। कोई दिवाकर समाज का आया, उसके घर धमकी दे रहा है। कोई प्रजापति समाज का आया, उसके घर धमकी दे रहा है। आखिर ऐसा कोतवाल जो कानून का रक्षक है, वो खुद कानून का बच्चक बन गया है। और स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही घृणित कार्य है कि इसमें न्याय दिलाने के बजाय यहाँ का कोतवाल अपराधियों को बचाने में लगा है, यहाँ का पुलिस अधीक्षक अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। क्योंकि अपराध करने वाले दोनों ठाकुर बिरादरी के हैं, इसलिए ये अपने को योगी समझते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जात बात का नंगा नाच बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये जात बात का नंगा नाच करने वाले लोगों को सबक इस प्रदेश और देश की जनता सिखाएगी। और साथ ही साथ जो इनका पाप है, वो पाप का घड़ा भर गया है, आने वाले समय में इनके पाप का घड़ा भांडा फूटेगा। लखनऊ में डिलीवरी बॉय की हत्या हुई है, ये नित्य प्रति ऐसा हो रहा है। कहीं कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं छेड़खानी की घटना हो रही है, कहीं लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं पर आज पुलिस वाले ही लखीमपुर में एक दलित छात्र को, दलित नौजवान को पीट पीट के थाने में मुआ दिया। और इस प्रकार से रोज कोई न कोई घटना घटित हो रही है। और उसके शिकार सबसे ज़्यादा या तो दलित हो रहे हैं, पिछड़े हो रहे हैं, या मुसलमान हो रहे हैं। इन तीन समाज के लोगों की बड़े पैमाने पर इन पर कहर टूट रहा है। और अपराधी ज़्यादातर मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, और आज जितने भी मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं, वो अपने को सब मुख्यमंत्री समझते हैं। और यही कारण है कि बेहिचक बेअंदाज होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।